बचे हुए 3.5 महीने को किस तरीके से प्लान करना चाहिए, ठीक है? आपके पास अभी 3.5 महीने बचे हैं, आप उसको 3.5 महीने ना समझ, लास्ट के 15 दिन रिवीजन के लिए निकाल दें, क्योंकि बिना रिवीजन के कोई एग्जाम क्रैक नहीं। रिवीजन सबसे जरूरी, 15 दिन आप रिवीजन के लिए निकाल दें, सबसे जरूरी है रिवीजन, ठीक है? अब बचे हुए महीने में हमें क्या करना है, बचा हुआ जो टाइम है उसमें हमें अपना टाइम टेबल, मैंने जैसा भी स्टार्टिंग में बताया कि कई बच्चे क्या करते हैं, आज बहुत एनर्जेटिक है और आज टाइम टेबल बना लिया, लेकिन वो एनर्जी मेंटेन नहीं रह पाती, तो वो टाइम टेबल फॉलो नहीं हो पाता। जब हमारे गोल फॉलो मिलते नहीं है हमें, जो हम सोचते हैं अचीव नहीं होते, फिर हमारे ऊपर स्ट्रेस आने लगता है, यार मैंने जो सोचा था वो मैं कर ही नहीं पा रहा, क्योंकि हम सोचते आज के हिसाब से हैं और परफॉर्म हमें परसों करना है, तो वो कैसे हो पाएगा? तो हमें क्या करना होगा, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी लानी होगी। फ्लेक्सिबिलिटी लाने का मतलब क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी लाने का मतलब है कि मैं वीक को तो स्ट्रिक्ट रखूंगा, वीक मेरा स्ट्रिक्ट रहेगा। इसका क्या मतलब है कि जो मैंने वीक में सोचा है कि मुझे इतना पढ़ना है, जो मैंने एक टारगेट वीक के लिए सेट करा है, मैं वो तो हर हाल में अचीव करूंगा, इसके प्रति तो मैं स्ट्रिक्ट हूँ। लेकिन जो डेली बेसिस पे मैंने टारगेट सेट किए हैं, डेली बेसिस पे, इसके लिए स्ट्रिक्ट होने की कोई जरूरत नहीं, इसके लिए स्ट्रिक्ट नहीं होना है। क्यों नहीं होना कि मान लेते हैं कि कल आपने सोचा था कि आप 3 घंटे जगते ही गणित पढ़ेंगे, या आपने सोचा था आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, लेकिन आपके हिस्ट्री पढ़ने का मन नहीं है, तो फिर आप ऐसा कर सकते हैं, डेली बेसिस पे आप मैथ्स पढ़ सकते हैं जिस वक्त आपका हिस्ट्री पढ़ने का दिल नहीं है। ये हम सबसे बड़ी गलती कर देते हैं टाइम टेबल बनाते वक्त, कि जो हमने सोच लिया वही करेंगे, ऐसा संभव नहीं है, किसी के लिए भी संभव नहीं है। और वो चीजें मैं आपको बता दूं जो फॉलो नहीं हो सकती, मैं खुद नहीं कर पाता फॉलो, मैं कह दूं कि आप सोशल मीडिया बिल्कुल मत देखिए, संभव नहीं है, आपको 2-5% टाइम तो देना पड़ेगा। जैसे आपको मालूम है कि यार मेरे दिन के 100% टाइम में सोने के अलावा अगर मैं निकाल देता हूँ कि मेरे पास 16 घंटे बचते हैं, 8 घंटे मैंने सोने को दे दिए, तो बचे हुए 16 घंटे में मुझे पता है कि कुछ चीजें मेरी प्रायोरिटी होनी चाहिए, कि 30 मिनट्स में एक्सरसाइज पे दूंगा, जो कि बहुत जरूरी है, मस्ट है, योगा मेडिटेशन पे दूंगा। मुझे ही देख लीजिए, 2 दिन से योगा नहीं कर पाया हूं, तो क्लास लेने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी, फिर मैंने किसी तरीके से अपने मन को समझाया कि मुझे डिसिप्लिन मेंटेन करना है, बच्चों को सिखाना है, तो मन ना करने के बाद भी कई बार चीजें करनी पड़ती हैं। जैसे मैं जब स्टार्टिंग में आया तो मेरा मन नहीं था कि मैं आज क्लास लूं, नहीं हो पा रहा था, मन नहीं बन पाता कई बार, लेकिन जब मन ना करे तब भी उस काम को करना, इसी को कहते हैं कि मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ रहा हूं, कि जब मेरा किसी काम को करने का मन नहीं था और मुझे पता है कि ये यूजफुल है मेरे लिए भी, बच्चों के लिए भी, फिर भी उसको करना, और जब हम उसको करना शुरू कर देते हैं, जैसे मैंने अब करना शुरू कर दिया, तो मैं धीरे धीरे रिदम पकड़ लूंगा, मुझे मजा आने लगेगा, आपको भी मजा आने लगेगा। मैं आपको पता पहले से कि मैं एंटरटेनमेंट के साथ पढ़ाता हूँ, बीच बीच में कॉल मैसेज ये सब होते रहेंगे, लोगों को हड़काते रहेंगे, वो सब चलता रहेगा, ठीक है? तो वो स्टार्टिंग में रिदम बनाना पड़ता है। तो मैंने कहा कि ये हमारे नॉन स्टिक टारगेट होने चाहिए डेली बेसिस पे, कि हम डेली का जो अपना रूटीन बनाएंगे उसमें हमने ये डिसाइड कर रखा है, पूरे वीक में मैं ये डिसाइड कर दूंगा कि मुझे हिस्ट्री के 3 टॉपिक खत्म करने, मुझे पॉलिटी का 1 टॉपिक खत्म करना है, मुझे मैथ्स के 5 टॉपिक खत्म करने, मुझे रीजनिंग के 2 टॉपिक खत्म करने, मुझे इंग्लिश के 3 टॉपिक खत्म करने। जब मुझे पता है कि मुझे ये पूरे वीक में करना है, तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि मैंने अगर हिस्ट्री के मंडे को सोचा था कि 1 टॉपिक खत्म करूंगा और वो नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, मैं क्या करूंगा, सफलिंग कर दूंगा। मैंने ट्यूजडे को अगर मैथ्स सोच के रखा था, तो मैं मैथ्स को हिस्ट्री से और हिस्ट्री को मैथ्स से सफल कर दूंगा, कि आज मेरा हिस्ट्री पढ़ने का दिल नहीं है, जो कल मैथ्स पढ़ने वाला दिन था मैं उस पर हिस्ट्री पढ़ लूंगा, और आज हिस्ट्री की जगह मैथ्स पढ़ लेता हूँ, क्योंकि मैथ्स इंटरेस्टिंग लगता है। इसीलिए तो मैंने बताया कि आप इस तरीके से अपना एक टाइम टेबल बना लीजिए वीकली बेसिस पे। पहले तो आपके पास जो ये 3 महीने जो मैंने यहाँ 3 महीने लिखे हैं, 3 महीने में देख लीजिए कि आप कैसे सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे, क्योंकि अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज। और इस सिलेबस कंप्लीट में आपको सबसे ज्यादा टाइम जो देना है वो जीएस को देना है, और उसके बाद जो टाइम देना है वो इंग्लिश को देना है, और उसके बाद जो टाइम देना है वो मैथ्स को और फिर रीजनिंग को। इस तरीके से अगर आप टाइम देंगे, जीएस को सबसे ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि अब जीएस मेंस में भी है, तो अभी से ही पढ़ के चलेंगे तभी मेंस तक कंप्लीट जीएस कर पाएंगे। भले ही प्री में आप ये सोच सकते हैं कि जीएस में आपके कम नंबर भी आ गए क्योंकि प्री क्वालिफाइंग है, लेकिन आपको मेंस में तो अच्छे नंबर चाहिए ही चाहिए, मेंस में तो नंबर जुड़ेंगे, उसी के आधार पर आपको पोस्ट मिलेगी, सिलेक्शन होगा। अपने गोल, अपना जो उसने ड्रीम सेट किया, उसके प्रति बहुत प्रतिबद्ध होता है कि मुझे ये करना ही है, मुझे डेली अगर मैंने सोच लिया तो 1 मॉक देना ही है। तो अब हम बात कर लेंगे कि हमें सब्जेक्ट्स को पढ़ना कैसे कैसे। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि अभी 3 महीने का मतलब 90 मॉक हो, हर दिन 1 मॉक। अब आप इस 90 मॉक में अल्टरनेट ऐसा कर सकते हो, एक दिन PYQS दे दो और एक दिन रियल मॉक, और अब आपको मॉक के लिए कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है, कहीं कोई कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है, कहीं कुछ और करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट अभिनय मैथ्स ऐप पे ये मॉक टेस्ट फ्री एक्सेस कर सकते हैं। अभिनय मैथ्स ऐप पे फ्री एक्सेस कर सकते हैं, ऑलमोस्ट फ्री है ये आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं, चाहे आप SSC की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप CGL की तैयारी कर रहे हैं, किसी की भी तैयारी कर रहे हैं आप, ये मॉक टेस्ट बहुत बेहतर, जिसके अंदर प्रीवियस ईयर भी है और जिसके अंदर रियल मॉक भी है, और इस मॉक टेस्ट को डिजाइन किया है टेस्ट बुक टीम से, हमने डिजाइन कराया, ठीक है? वो आप डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपको 1 मॉक तो देना ही है, और 1 मॉक देने का टाइम कितना होगा, 1 घंटा। लेकिन इस 1 घंटे से सिर्फ काम चलेगा नहीं, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप 1 घंटा मॉक दे रहे हैं, आप इसके बाद 15 मिनट रिलैक्स करिए, 15
मैंने ज्यादा बोल दिया, 5 मिनट रिलैक्स करिए इसके मॉक देने के बाद। एक टाइम डिसाइड कर लीजिए मॉर्निंग में, एक टाइम मॉर्निंग में डिसाइड कर लीजिए। अगर आप सुबह 6 बजे जग जाते हैं, आधा घंटे आपने योगा मेडिटेशन ये सब करके 7 साढ़े 7 तक अपने आप को फ्री कर लिया, तो 7:30 से 8:30 तक मॉक टेस्ट डेली, एक मॉक टेस्ट डेली। और जब ये 8:30 तक मॉक टेस्ट देने के बाद उसको 1 से 1.5 घंटे तक एनालिसिस करिए, एनालिसिस करिए कि आपका क्या लेवल है, आपकी तैयारी किस लेवल तक जा रही है, कितना कुछ आपको आ गया है और कितना कुछ सीखना बाकी है, ठीक है। तो ये उसके बाद हमें क्या करना है, एनालिसिस करना है 1-1.5 घंटे। और जब ये 1-1.5 घंटे एनालिसिस हो जाएगा, तब 10 बजे से हम अपनी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, सुबह 10 बजे से जो हमने आज की। अब मैंने आपको बताया कि आप किस किस तरीके से चल सकते हैं। देखिए, गणित को अगर आप बहुत ज्यादा टाइम नहीं भी देंगे तो चलेगा आज के दौर में, क्योंकि गणित ऑलरेडी आपको पता है सिर्फ 30 सवाल आने हैं और इतना आप पढ़ भी चुके हैं कि मैं समझता हूँ कि गणित में उतना एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। ज्यादा से ज्यादा अंतर पड़ेगा तो 1 क्वेश्चन का या 2 क्वेश्चन का अंतर पड़ेगा, जो बहुत ज्यादा गणित पड़ेगा और जो कम गणित पड़ेगा। लेकिन अगर आपने जीएस नहीं पढ़ी, आपने इंग्लिश नहीं पढ़ी, आपने रीजनिंग के मुश्किल सवाल नहीं करे, तो अंतर इतना ज्यादा पड़ जाएगा कि एक बंदा आपसे 6 सवाल ज्यादा करके आ रहा है, आप उससे 6 सवाल कम, वो भी गलत करके आ रहा है। तो बाकी सब्जेक्ट्स को देना बहुत जरूरी है। अब ये सब हम पढ़ें कैसे, किस तरीके से पढ़ें, क्या क्या हमारी स्ट्रेटेजी रहे। जो बच्चे कहीं कोर्स नहीं खरीद सकते उनके लिए भी स्ट्रेटेजी बताऊंगा, यूट्यूब वाले बच्चे कितने हैं, और जो कहीं भी कोर्स खरीद के पढ़ रहे हैं उनकी तो एक अलग ही बात है, वो अपना अलग है, उनको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, वो टीचर बता देता है। देखिए, अगर आप YT पे पढ़ रहे हैं और आपने YT पे मेरे सारे कोर्सेज देखे हुए हैं, जितने भी मैंने पढ़े हैं, चाहे वो A to Z क्वांट बैच हो, कंप्लीट सब कुछ है। इसके अलावा मैं एक प्रैक्टिस क्लासेस चलाता हूँ, हर वेडनेसडे क्लास होती है इसकी, हर वेडनेसडे इसकी क्लास होती है 1 बजे से लेकर के 3 बजे तक, SSC अभिनय मैच, अभिनय मैश चैनल पे इसकी क्लास होती है डेली। इसमें क्या करते हैं, हम कॉन्सेप्ट के हिसाब से पढ़ते हैं, 5 से 7 कॉन्सेप्ट। मैं ये समझता हूँ अगर किसी बच्चे ने हमसे यूट्यूब पे पढ़ाया और वो इस कॉन्सेप्ट क्लास को देख लेता है तो उसको रिवीजन की भी जरूरत नहीं है, ये क्लास रिवीजन की तरह भी काम कर रही है, मैं कंप्लीट रिवीजन करा के चल रहा हूँ। अगर गणित की बात करें तो जिन्होंने नहीं पढ़ा है, जो लोग नए हैं, ये उन बच्चों के लिए भी है जो इसी बार CGL टारगेट कर रहे हैं, 2023 का ही टारगेट, 2023 टारगेट वालों के लिए, जो 2023 का ही टारगेट। तो मैंने कहा कि भाई अगर आप 2023 को ही टारगेट कर रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं है, कोई अभी कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है, आप ये कर सकते हैं। ये तो मैंने अपना गणित का बताया, लेकिन हम बाकी सब्जेक्ट का हर दिन 1 से 3 क्लास रहती है, अलग अलग टीचर्स इसमें पढ़ाते हैं और पूरा सब कुछ रिवाइज करा रहे हैं। तो जो बच्चे रिपीटर्स हैं, जिन्होंने पहले से तैयारी की हुई है, पहले से कहीं से कोर्स खरीद के पढ़ा हुआ है, उन बच्चों के लिए ये बेस्ट द बेस्ट, ठीक है। उनको कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है, कोई कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वो मॉक टेस्ट लें, मॉक टेस्ट दें, देखें उनकी कमियां कहाँ हैं। वो बार बार देख रहे हैं कि मेरे पिरामिड का सवाल गलत हो रहा है, बार बार पिरामिड का सवाल गलत हो रहा है, तो उन्हें कुछ नहीं करना, यूट्यूब पर टाइप करेंगे कि पिरामिड भाई अभिनय शर्मा, या वेस्ट वीडियो ऑफ पिरामिड भी डालेंगे तो भी मेरी वीडियो आ जाएगी, आप देख के पिरामिड सुधार। ये उन बच्चों के लिए, जो बच्चे बिल्कुल नए हैं उनके लिए बहुत मुश्किल है अभी कि वो पहली बार में सिलेक्शन ले पाए, वो प्री क्वालिफाई कर सकते हैं अगर उनको लगता है कि उनके अंदर जज्बा है। जो बच्चे बिल्कुल नए हैं, जो अभी तैयारी में आए हैं, तो मैं उनको कहूंगा कि वो या तो कहीं से कोर्स परचेज कर लें, क्योंकि यूट्यूब की दुनिया में वो घूम जाएंगे, क्योंकि यूट्यूब से फायदा लेना भी हर किसी के बस की बात नहीं है। वही बच्चा ले पा रहा है जिसको थोड़ी बहुत नॉलेज है, नहीं तो पता ही नहीं चलता यूट्यूब पे कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है, किस कॉन्टेंट को फॉलो करें, किसको ना करें, ये पता ही नहीं चलता यूट्यूब पे। तो जो बच्चे रिपीटर्स हैं, जिनको इसी साल सिलेक्शन लेना है, और एक हाल में 7500 वैकेंसी में आना है, ये भी समझ लेना मेरी बात ध्यान से कि 114 जो इस बार कट ऑफ गई थी तब गई थी जब 37000 वैकेंसी थी, इतने ज्यादा लोग मेंस के लिए क्वालिफाई हुए थे 3 साल। ये मान के चलो कि इस बार कट ऑफ 135 नंबर ही रहेगी भाई। अब आपको तैयारी उस लेवल की करनी है, कहीं आप सोच रहे हो कि यार 114 तो मैं मॉक में लेके आ पा रहा हूँ, मेरा प्री क्वालिफाई हो जाएगा, नहीं। अब टारगेट लेके चलो कि 135 से कम तो किसी भी मॉक में आने नहीं चाहिए, बल्कि 150 आने चाहिए अगर प्री क्वालिफाई करना है। बिना इसके बात नहीं, लाइक कर लीजिएगा, जितने भी बच्चे देख रहे हैं हमारे साथ वो एक बार लाइक भी कर लीजिएगा। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इस बार किसी भी कोर्स में हमारे ही पढ़ना चाहते हैं, या फिर जो अभी हमने 2023 और 24 के लिए एक बैच भी स्टार्ट किया है उसमें एनरोल करना चाहते हैं, लेकिन फीस की वजह से नहीं कर पा रहे, फीस नहीं है या कम फीस है, उन बच्चों के लिए मैं यहाँ पे 2 नंबर लिखे हुए हैं, नहीं लिखे हुए तो मैं लिख देता हूँ, इस नंबर पे कॉल करके मैसेज करके हेल्प ले सकते हैं। जो भी हेल्प होगी, हेल्प 20-30, हेल्प 40-50, जो भी आपकी हेल्प होगी जिसमें टीचर पढ़ा रहे हैं, ये 11 तारीख से बैच स्टार्ट होगा। अगर आप अगले साल के CGL के लिए प्लान कर रहे हैं तो ये मोस्ट अप्रोप्रिएट बैच है। अगर आप इस बार मेंस के लिए पढ़ना चाहते हैं तो मेंस तक भी इस बैच में 70-80% सिलेबस खत्म हो जाएगा। कौन कौन पढ़ाएगा, सबके चेहरे लगे हुए हैं, मैं भी हूँ, जो गणित पढ़ाऊंगा, 11 अप्रैल से क्लास स्टार्ट।